पढ़ लो एक ऐसा विषय जो आपके अपने घर तथा परिवार को सही ढंग से देख रेख और जीवन में अपने करियर या व्यवसाय के लिए तैयार होने में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का, ठीक है, ये जो है आपका होम साइंस, ठीक है, गृह विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास टेंथ का है जो, ठीक है। इसमें हम पहले चैप्टर में हम करेंगे गृह विज्ञान क्या है और इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारा सिलेबस इसमें क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो जब आप आधा देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो अधूरा जानकारी रखें और बाद में गलतफहमी का शिकार हो, ठीक है। इसलिए देखिए तो पूरा देखिए, नहीं देखिए तो कुछ भी मत देखिए, ठीक है। साथ में थोड़ा सा एक बात और जो होती है वो होती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। क्यों? क्योंकि मेरा विचार है कि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनको आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके आप माध्यम बन सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया तो हो सकता है दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाए। इसलिए इतना तो कोशिश आप कर ही सकते हो कि दूसरे वीडियो तक बच्चों तक वीडियो पहुंचाने या उनके बारे में इसके चैनल के बारे में बता भी सकते हो, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जग कल्याण ही इंसानों का परम धर्म होना चाहिए। चलिए अधिक बात ना करके हम जो है अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो गृह विज्ञान है क्लास, ठीक है, NIOS बोर्ड का, उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान दोस्तों क्या होता है? गृह विज्ञान तो पता ही होता है आपको कि होम साइंस होता है, ठीक है। गृह विज्ञान अथवा घर के प्रबंधन के विज्ञान हमसे हमारे घर, हमारे परिवार के सदस्य तथा हमारे संसाधनों से संबंधित सभी बातों पर आती है। तो गृह विज्ञान जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हमसे हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे सदस्य, हमारे रहन सहन, हमारे घर का डिजाइन, सभी बातों पर ये ध्यान देता है। इसका उद्देश्य हमारे साधनों और कुशलतापूर्वक तथा वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हमारे एवं हमारे परिवार सदस्यों के लिए अधिकतम संतोष प्राप्त कराता है। गृह विज्ञान स्थापत्य हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वास्थ्य और सुखद घर और सफल पेशे को प्राप्त करने की विज्ञान है, ठीक है। कि हम अपने घर को कैसे सुखदायक बना दें, जहाँ पर आप थके मके आओ तो वहाँ पर बैठ के कुछ समय के लिए आराम कर सको। देखिए दोस्तों, घर तो घर सबका होता है, लेकिन घर की जो डिज़ाइन होती है, घर की जो देख रेख होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। सिर्फ घर हो जाने से नहीं होता है, उसको देख रेख भी इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आपने ये देखा होगा उपयुक्त परिभाषा कला और विज्ञान, यानी ये कला और विज्ञान दोनों हो सकता है। क्योंकि गृह विज्ञान कला, कला मतलब होता है जो घर के सजाते हो, विज्ञान का मतलब होता है उसे वैज्ञानिक मापदंडों पे उसको परखते हो। दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि गृह विज्ञान आपको वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है, जिससे कि चारों ओर एक संपूर्ण सुव्यवस्थित सुंदरता और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ यह आपके घर के सौंदर्य को बनाए रखने में शामिल क्रियाओं को सभी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। आइए एक उदाहरण को देखें। गृह विज्ञान आपके हमारे शरीर के अपेक्षित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और उसके विभिन्न कार्य का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो कह सकते हो गृह विज्ञान जो होता है एक हमारे शरीर के देख रेख के लिए जो पोषक तत्व होता है, एलिमेंट होता है, उसके बारे में भी हमें बताता है, ठीक है। हमें कैसे डाइट लेना चाहिए, कैसे हमें खाना चाहिए, तो इस बारे में भी बताता है। तो गृह विज्ञान जो होता है बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हर चीज़ के बारे में, हर सुख सुविधाओं के बारे में जानते हैं, हर बीमारियों के बारे में भी जानते हैं। तो गृह विज्ञान जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। यह विज्ञान है, ठीक है। जब आप इन आवश्यक पोषक तत्वों के भरपूर विभिन्न व्यंजनों का चयन करते हैं तो उन्हें आकर्षक रूप अपने परिवार के समक्ष परोसते हैं व उन्हें अच्छा भोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो एक कला कहलाता है। देखिए दोस्तों, भोजन तो सभी बनाते हैं, भोजन तो सब पकाते हैं, लेकिन भोजन को जो हम परोसते हैं, भोजन को जो हम अपने परिवार के समक्ष रखते हैं, तो उसको परोसने का जो कला होती है वही गृह विज्ञान कहलाता है। बच्चों तथा बुजुर्गों सही परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक सचपोषण करने की क्षमता विकसित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल कहा गया है और सदैवपूर्ण अंतर्व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित करने और सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए यह कला हम सभी को विकसित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो होता है कला हम सबको विकसित करने की आवश्यकता है। अगर ये कला हम विकसित अपने ऊपर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम जो अपने जो होम साइंस की जो वास्तविकता है उसको हम शायद समझ ना पाएं। गृह विज्ञान अपनी विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भाग को विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त करता है, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान तथा स्वच्छता। इन सबसे मिल के जो है गृह विज्ञान का निर्माण होता है। यह मानव विज्ञान और मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संक्षेप
मीडिया और प्रौद्योगिक आदि क्षेत्रों से भी विषय वस्तु प्राप्त करता है। इस प्रकार ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और जो विज्ञान तथा कला पाठ्यक्रम से ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए होम साइंस जो होता है एक महत्वपूर्ण जो होता है होती है, क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन को सुखदाय के साथ हमारे पोषण तत्व के बारे में भी बताती है और हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार को हमें खाना चाहिए, किससे हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये सब बातों को जो है गृह विज्ञान ही प्रदर्शित करती है। गृह विज्ञान जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बन गया है हमारे लिए और हमारे यहाँ तक करियर के लिए भी है, क्योंकि गृह विज्ञान के कारण लोग पहले मेडिकल में जाया करते थे लेकिन अभी जो है गृह विज्ञान पे काफ़ी आकर्षित होते हैं, इसलिए क्योंकि गृह विज्ञान में जो होता है करियर का भी बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो यहाँ भोजन से तो रिलेटेड है ही है, प्लस आपके घरों से भी रिलेटेड है, प्लस आपके डाइट से भी रिलेटेड है, तो कह सकते हो गृह विज्ञान जो है हर क्षेत्र में अपना भूमिका अदा कर रहा है। तो इसके विषय में आप जो पढ़ रहे हो, जो बच्चों ने सब्जेक्ट लिया है तो वो बहुत ही अच्छा काम किया है सब्जेक्ट लेके, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से विकल्प जो है आगे खुल जाते हैं और उनके करियर के भी खुलते हैं, डेकोरेशन में भी खुलते हैं, ठीक है। तो आगे बहुत सारे जो करियर है हम इस पे बना सकते हैं। आपको पता है कि शादी ब्याह तो होता है, जीवन में चलता ही रहता है, तो आप डेकोरेशन की भी कला इसमें सीख सकते हो और अपना जीवन को जो है अच्छे से अच्छे और आरामदायक बना सकते हो। विज्ञान और कला का संयोजन गृह विज्ञान के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसमें से कुछ निम्न अनुसार है। देखिए इसमें कुछ बातें जो बताई गई है वो इम्पोर्टेंट है। परिवार के सदस्यों के बीच अंतर व्यक्तिगत संक्षेपण, परिवार जिसकी आप देख रहे करते हैं, भोजन जो आप खाते हैं, घर में जिसमें आप रहते हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, ठीक है, या जो आप में संसाधन जो प्रयोग करते हैं, या आपके आसपास जो वातावरण है, ठीक है। सफल करियर के लिए कौशल और वातावरण दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। इससे हम जो है हर चीज़ के बारे में समझते हैं, तो आप समझ सकते हो ना कि आपके आसपास जो वातावरण है हम इसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, स्वास्थ्य बना सकते हैं, ठीक है। और सफल करियर के लिए कुशलता और वातावरण का भी हम स्वच्छता के बारे में हम इसमें सीखते हैं। तो इस तरह से जो है गृह विज्ञान हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला बन जाती है और कला के साथ हमारे करियर और जीवन के लिए भी सुखदायक बन जाता है। तो ये विज्ञान जो है आपने सब्जेक्ट लिया है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसका जो गृह विज्ञान की प्रासंगिकता किस बात के ऊपर होती है। गृह विज्ञान और प्रासंगिकता में यही बात आती है दोस्तों कि आप गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके अपने स्वयं को संसाधनों को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसे गृह विज्ञान आपको इसमें बारे में बताता है और सिखाता है। तो इसमें यही बात है, गृह विज्ञान की प्रासंगिकता किस बात पर आधारित होती है कि ये क्या करती है, संसाधन जो होती है उसको सही व्यवस्था और सही तरीका से हमें रख रखाव करना और उसका इस्तेमाल करना सिखाती है। तो गृह विज्ञान जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाती है इन सब कारणों से, ठीक है। इस समस्या समाधान के लिए सही मार्ग और उपलब्ध कराया गया है, ऐसे करने से आप अधिक व्यवस्थित और कुशल हो जाएंगे। गृह विज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए संभावित रोजगार के अनेक अवसर का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान न केवल आपके घर तथा व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक करता है बल्कि आपके व्यावसायिक जीवन में भी काफ़ी सहायक होता है। इसलिए गृह विज्ञान जो है सभी के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं को कार्य के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, यद्यपि समाज और आर्थिक वातावरण में परिवार के साथ घर की सफलता पर व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रयासों की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें जो होता है महिला और पुरुष दोनों के ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए आज लिंग आधारित परंपरा भूमिकाएं प्रासंगिक नहीं रह गई है। आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य कर रही है, चाहे वह कार्यालय में हो या घर में हो, ठीक है, कार्य कर रही है। इसके परिणाम से घर के प्रबंधन और उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जो है सिर्फ घर सिर्फ महिलाएं नहीं चलाती है, पुरुष भी चलाता है, ठीक है। जो काम महिलाएं किया करती थी वो पुरुष भी कर रहे हैं आजकल, जो पुरुष कर रहे हैं वो महिलाएं भी कर रही है। तो महिलाएं किसी से पीछे नहीं है और होम साइंस जो विषय आ गया है इससे क्या हुआ है, महिलाओं को और भी सम्मान बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ों को एक वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन से करना सीख लिया है। इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। घर तथा परिवार के प्रबंधन और उत्तरदायित्व रखने वाले किसी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। देखिए जो जानता है उसको गृह विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गृह विज्ञान द्वारा लड़के व लड़की दोनों को ही अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें घर के कार्य के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के प्रति अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान एकमात्र ऐसी विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने तथा अच्छा माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसायी बनाने में सहायक
पूर्वाभ्यास व आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकता है। यानी गृह विज्ञान इतना इम्पोर्टेंट विषय है जो हर क्षेत्र में हर बच्चों के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। इसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है आगे अपना पढ़ाई इसी में जारी रख के अपना जीवन को खुशहाल बना सकता है। देखिए, गृह विज्ञान सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। गृह विज्ञान जो है आज पुरुष बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान में आपको डेकोरेशन, ठीक है, घर का सज्जा, ठीक है, उसको वस्तुशास्त्र के बारे में, मनोविज्ञान के विषय में, हर चीज के विषय में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो गृह विज्ञान जो है हर बच्चों के लिए बहुत ही सुखदायक और पैसे कमाने का एक जरिया बन सकता है। गृह विज्ञान लड़के व लड़की दोनों के लिए है। दोनों को ही इस तीव्र प्रतियोगिता संसार में सफलता पाना होता है। दोनों के घरेलू दायित्व और कार्य में भागीदारी करनी होती है। दोनों को ही संसाधनों का प्रबंधन करना सीखना होता है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों को ही परिवार सदस्य के साथ मिलकर इसका समाधान करना होता है। गृह विज्ञान लड़के लड़की दोनों को ही एक विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है, इसलिए ये विषय जो है दोनों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप तथा आपके परिवार के सदस्य व्यक्तिगत संतोष प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कुशलता का उपयोग कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप ऐसे अनेक कुशलता का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए घर से ही संचालित किए जाने वाले उद्योगों की स्थापना से संबद्ध बनाएंगे, जैसे बुटीक, कैटरिंग यूनिट, कैच डे केयर सेंटर आदि। आप इस अध्ययन से आप इसके पहलू को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो गृह विज्ञान हो कितना महत्वपूर्ण आज के समय में हो गया है। ठीक है, कैटरिंग हो, बुटीक्स हो, कैच केयर सेंटर हो, या कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ पर गृह विज्ञान ही कला जो ही है जो इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। तो ये कह सकते हो कि ये जो विषय है हर एक बच्चे के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय माना गया है। आगे जो है गृह विज्ञान एक शास्त्र और व्यवसाय। देखिए, गृह विज्ञान जो एक शास्त्र भी है और एक व्यवसाय के लिए भी हमारे पास बहुत से अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है। गृह विज्ञान में विशेषताओं के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जो जैसे भोजन, पोषण, सपोषण तथा विस्तार, संसाधन प्रबंधन, मानव विकास, कपड़ा व परिधान विज्ञान। हम परिवार के बाहर तथा परिवार के भीतर अच्छे अंतर्व्यक्तिगत संबंधों को सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हम आपसी संबंध कैसे रखना है, कैसे उनके विचारधारा रखना है, इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, विकसित करती है, हमें माइंड को बहुत डेवलपमेंट करती है। हम अपने संसाधनों जैसे कि समय, ऊर्जा, धन के प्रबंधन की विधियों को भी सीखते हैं ताकि हम परम्पर संतोष प्राप्त कर सकें। गृह विज्ञान में जो कुशलता को सीखने की विधियाँ भी शामिल है जो हमारे परिवार तथा समुदाय, विशेष रूप से गरीबों के बेहतर जीवन के लिए उपयोगी बनाता है। देखिए दोस्तों, आज जितना मर्जी आप कमा लीजिए, जितना मर्जी आपके पास पैसे हो, लेकिन अगर आपको प्रबंधन करने नहीं आता है तो आप इतने पैसे कमा के भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कारण ये होता है कि इंसानों की आवश्यकता का कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, और जिसके पास जो है आय प्रबंधन है, तो अगर वो आय को सही तरह से प्रबंधन करना जानता है, उसने होम साइंस पढ़ रखा है, तो वो क्या करेगा, कम भी कमाएगा फिर भी उसके सारे मैनेजमेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हर चीज़ों को होम साइंस में पढ़ा हुआ है। क्योंकि हम इसमें पैसे का मैनेजमेंट करना, पैसे को हम कैसे बांटे, वो सारे बातें जो है हम होम साइंस में ही सीखते हैं। आपको लगता होगा कि होम साइंस तो ऐसे विषय है इसको सबको आसानी से मिल जाती, नहीं दोस्तों, होम साइंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसको वही बंदा पढ़ सकता है, वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसको पढ़ना है। और देखिए, कहते हैं ना कि जिस विषय को आप अगर दिलचस्पी से साथ पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको करियर का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप मजाक में पढ़िएगा, समझ के नहीं पढ़िएगा, तो आपको क्या नॉलेज रहेगा इसके बारे में और क्या आप करियर तलाशिएगा। आज इतने सारे होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स किए जा रहे हैं, बच्चे सब कर रहे हैं, सब के सब यही होम साइंस पढ़ के कर रहे हैं और अच्छा खासा उनको पैसे भी मिल रहे हैं। ठीक है, सेफ जो इतने अच्छे बन रहे हैं, सब होम साइंस पढ़ के ही इतने अच्छे सेफ बने हैं। ठीक है, जिसका आप तारीफ़ करते रहते हो, खाने का तारीफ होता रहता है। तो ये होम साइंस ही है जो इतना अच्छा करियर दिलवाता है और इतना अच्छा उनका नाम सम्मान मिलता है। ठीक है, और खाने की तो भंडार ही होती है। तो होम साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय माना गया है। हम माता पिता द्वारा प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान तथा अनुभव का, ठीक है, आदर करते हैं, हमें निरंतर इसका आदर करना चाहिए। विज्ञान तथा वैज्ञानिक और प्रबंधन के क्षेत्र में नई उन्नति से हमें 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने तथा इससे परिवर्तनशील सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश की व्यवस्था के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताई गई कि दादी और दादा के जो उनके परंपरा ज्ञान अनुभव होता है उससे हम आगे करते हैं। मैंने एक टीवी पे देख रहा था, सेफ का ही एक बात सुन रहा था कि मैं जो ये बनाने जा रहा हूँ डिश, वो जो है मैं अपनी दादी से सीखा था, दादी ने बहुत ही देसी अंदाज में इसको बनाया था। तो देखिए, उस व्यक्ति ने अपने दादा दादी से सीखा हुआ व्यंजन को आज बड़े बड़े होटलों में बना रहा है और इसका तारीफ हो रहा है। तो कारण क्या है? उसने उस चीज़ को, ज्ञान को अर्जित किया है।
ठीक है, जो हम बड़े बुजुर्गों से भी सीखते हैं, आपके जो नए नए तरीके होते हैं वो भी गृह विज्ञान ही सिखाता है। और गृह विज्ञान में करियर तलाशने के बहुत से सुनहरा मौका होता है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेने के बाद या इसको आगे पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम विज्ञान तथा कला दोनों के क्षेत्रों में मिश्रण से तैयार किया जाता है। देखिए गृह विज्ञान जो होता है एक विज्ञान के साथ एक कला भी है। कला देखिए विज्ञान किस लिए है, विज्ञान क्योंकि हम साइंटिफिक रूल रेगुलेशन से चलते हैं, पोषण तत्व की बात करते हैं, कैलोरीज की बात करते हैं, तो ये एक तरह का विज्ञान कहलाता है। और कला कब कहलाने लग जाता है, कला जब, कला का मतलब ही होता है कोई चीज़ को सुव्यवस्थित करना, कोई चीज़ को ढंग से परोसना। देखिए आपने खाना तो बना दिया है लेकिन खाना खाने के लिए उसको आकर्षक भी होना जरूरी है। आपने खाना बना दिया बहुत स्वादिष्ट है लेकिन आपको उसको डिज़ाइन नहीं दिया है ना परोसने का आपका ढंग है तो कोई भी आपको खाना नहीं पसंद करेगा, ठीक है। तो ये कला है, खाना परोसने का जो होता है कला बन जाती है। अगर मान लीजिए आपका खाना खराब भी है, ठीक है, घटिया है, लेकिन अगर आप उसको परोसते हो, आपने देखा होगा कोई होटल में जाते हो, होटल में खाना का जो चित्र होता है कितने सुंदर दिखता है, आपके प्लेट में उसी तरह सुंदरता से परोसी जाती है, लेकिन जब आप खाते हो तो ना तो इसमें नमक होती है ना उसको अच्छा स्वाद होता है और ऐसे ही आपने अपना पैसा वेस्ट कर देती हो। तो आप समझ सकते हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए अगर आप जब तक, देखिए खाना जो होता है तीन टाइप से खाई जाती है। कितने टाइप से दोस्तों, थ्री टाइप से। कैसे, एक तो आप क्या करते हो उसको आँखों से खाते हो, आँखों से खाने का मतलब ये होता है कि उसको देख कर आकर्षित होती हो, ठीक है। और एक जो होता है उसकी हम स्मेलिंग से हम जान जाते हैं, स्मेलिंग से भी खाते हो, अगर आपको सुगंध आती है तो आप देखते हो कितना आपके मुंह से पानी टपकने लग जाता है, ठीक है, तो वो भी एक खाने का तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका जो होता है आपका डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग देख के भी आपको आकर्षित जो होती है आपको काफ़ी आकर्षण मिलता है और आप क्या करते हो उस पर खाते हो। तो इन चीज़ों से जो होती है एक आंखों से खाया जाता है, एक सूंघ के खाई जाती है और एक टेस्ट से खाई जाती है। तो ये तीनों बातों का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि हम खाने के तरीके ये होते हैं। अगर मान लो आपका टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप खाओगे ही नहीं, अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो खाओगे नहीं, अगर उसका टेस्ट बेकार है फिर भी छूओगे नहीं, या सुगंध उसकी गंदी है तो वो भी नहीं खाओगे। तो तीन बातों पर महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, आँख और आपका सुगंध, नाक और आपका टंग्स, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से जो होता है हम कोई चीज़ को खाते हैं या उसको अच्छा या बुरा कहते हैं। तो इन चीज़ों के बातें रखना, और ये चीज़ें जो होती है हमें होम साइंस ही सिखाती है, कोई और विषय नहीं सिखाती है। आगे जो है देखिए गृह विज्ञान में विशेषज्ञता का क्षेत्र, ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे कि गृह विज्ञान अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए अब इन विषय क्षेत्र के विस्तार पर वो चर्चा करें जिनकी अध्ययन आपको इस विषय में अंतर्गत करना है। देखिए हम जो होते हैं, मैंने कहा ना गृह विज्ञान के जो है अपार अथात है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। जिसने होम साइंस सीख लिया, जिसने होम साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कर ली, उसको कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं होगा। क्यों, अगर जॉब नहीं लगती हो तो अपने परिवार को सुंदर से सुंदरमय और बना सकता है, अपने घर को सुंदर से सुंदर डिजाइन दे सकता है। कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति जो होता है क्यों अपना पढ़ाई लिखाई करता है, क्यों इतना करता है, अपने घर को खुशहाल रखने के लिए, खुशी देने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो यह आता है भोजन तथा पोषण के लिए। गृह विज्ञान कहाँ काम आता है, भोजन तथा पोषण के लिए, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि आज जो है जितनी मिलावट बन रही है, जितनी मिलावट हो रही है, अगर भोजन तथा पोषण के बारे में आपको नॉलेज है तो आप अपने जो है व्यक्तियों को, अपने प्रियजनों को अच्छे से अच्छे भोजन खिला के उनके जीवन को सुरक्षित निश्चित कर सकते हो। उसके बाद है संसाधन प्रबंधन। देखिए संसाधन हमारे जो है, हमारे धरती पे संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन हमने बहुत संसाधनों का इस्तेमाल अभी तक किया तक भी नहीं है, और हो सकता है कि उसका फ्यूचर में इस्तेमाल हो। तो आप अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपके घर में कुछ भी संसाधन होगा, उस संसाधन से बेटर हर एक कार्य को अपने सफलतापूर्वक और सुगम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान। देखिए कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कपड़ा और जो भोजन है, कपड़ा के बिना इंसान अपने शरीर को ढक नहीं सकता, लेकिन कपड़ा भी हमें वैसे पहनना चाहिए जो हमें मौसम के रिगार्डिंग हो, और ये उन्हीं को नॉलेज होता है जो गृह विज्ञान अच्छे से पढ़ रखे होते हैं। उसके बाद मानव विकास एवं विस्तार। देखिए मानव विकास का मतलब तो आपको पता ही है कि इंसान को जब जन्म लेता है तो ये होम साइंस में ही आता है, होम साइंस ही हमें सिखाता है कि बच्चे का कैसे पोषण करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसका विकास होगा, कैसे उसकी आगे प्रगति होगी, तो सब है। संतोषण जो होती है ये एक तरह से माध्यम होता है किसी चीज़ की मूल्यांकन करना, परीक्षण करना। मैंने कहा था ना कि आप लाखों करोड़ रुपया कमा लें लेकिन उसको सही व्यवस्था करने नहीं आएगा तो आपको लाख रुपया भी जीवन यापन करने के लिए छोटा पड़ जाएगा।
ठीक है, लेकिन जिसके पास इस बात की नॉलेज है कि हमें आय प्रबंधन कैसे करना है, कैसे हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो ये हमारे लिए जीवन का सबसे अच्छा बन जाता है। चलिए, ये तो मेरे विचारों से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर किताबों के रिगार्डिंग इसमें क्या दिया है उसको देख लेते हैं। यही जो पहला बताया था, आहार तथा पोषण, देखिए इसमें क्या था, भोजन विज्ञान में आता है, पोषण औषधि पोषण और सामुदायिक पोषण में आता है, संस्थागत खाद्य सेवाओं में आता है, ठीक है, कपड़ा वस्त्र विज्ञान कपड़े की संरचना बनाने में, ठीक है, टेक्सटाइल विज्ञान में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, वस्त्र डिजाइनिंग में, वस्त्रों का रखरखाव तथा देखरेख में, तो इन सब में इसका उपयोग होता है। उसके बाद संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन में, आवास तथा उपकरण में, आंतरिक सज्जा जो साज सज्जा होती है उसमें, उपभोक्ता शिक्षा में, तो ये सारी जगह इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके मानव विकास में बाल्य कल्याण के लिए, किशोर अवस्था विवाह पारिवारिक मार्गदर्शन बुजुर्गों की देखरेख विशेष बच्चों की देखरेख, तो सब चीज़ों में जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद जो आता है इसमें सुपोषण तथा विस्तार, सुपोषण का माध्यम ये बन जाती है, कार्यक्रम नियोजन तथा मूल्यांकन करने पे ही आ जाता है, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में आ जाता है, सामुदायिक सेवा संगठन का प्रबंधन में आ जाता है। तो इस तरह से जो है होम साइंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत होती है। यह विकल्प उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए है तथा स्कूल स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। भारत में गृह विज्ञान के अनेक कॉलेज तथा यहाँ पर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। गृह विज्ञान पर आधारित अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, जैसे छुरा कढ़ाई सिलाई आरंभिक शैशव आदि। इस पाठ्यक्रम संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो एनआईएस बोर्ड ने अपना दिया है वेबसाइट को देख सकते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर के हैं, यानी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं इसमें। आप इस विषय में डॉक्टरेट तथा पोस्ट डॉक्टरेट स्तरीय अनुसंधान करके गृह विज्ञान के क्षेत्र में नई विषय वस्तु का योगदान कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम कॉलेज में सब जगह ये जो है, ठीक है, मुक्त दिया जाता है। तो ये कह सकते हो कि इसका विषय वस्तु जो है काफ़ी बढ़ा दिया गया है, सरकार की तरफ से भी इसकी काफ़ी मान्यता दे दी गई है। आज जो होगा हर एक राज्य में आपको इसके रिगार्डिंग एक कॉलेज जरूर होगा होम साइंस के, तो आप वहाँ से अध्ययन करके अपना जीवन को सफल बना सकती हो। गृह विज्ञान में करियर और अवसर, देखिए गृह विज्ञान विषय में उपलब्ध विभिन्न अवसरों का अध्ययन करने से पूर्व हमें रोजगार और स्वरोजगार की अवधारणाओं को समझना होगा। देखिए इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए कि भाई गृह विज्ञान से हमें कैसे कैसे और किस प्रकार की जॉब मिल सकती है। इस अवधारणा को समझने के लिए आइए कुछ हम उदाहरण देखें। एक दर्जी जब अपनी खुद की सिलाई की दुकान खोलता है तो वह स्वरोजगार कहलाता है। देखिए स्वयं रोजगार जो अपना खुद का होता है उसे स्वयं रोजगार कहते हैं, किंतु जब वह वेतन पर किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री में कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे स्वरोजगार यानी जो अपना हो और जो रोजगार होता है दुनिया दूसरे के पास हम जाके प्राप्त करते हैं उसे हम रोजगार कहते हैं। नौकरी या रोजगार कहेंगे, वेतन रोजगार का अर्थ है कि आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं, यानी आप किसी के पास काम कर रहे हो और वो आपको पैसे दे रहे हैं। स्वयं रोजगार से तात्पर्य है कि आप एक उद्यम के स्वामी स्वयं हैं, यानी स्वयं है अपना कार्य कर रहे हैं तथा उस उद्यम के संचालन और वित्तीय पोषण का कार्य स्वयं ही कर रहे हैं, तो ये जो होता है स्वयं रोजगार कहलाता है। आप लोगों ने यह पहले ही पढ़ा है कि गृह विज्ञान क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करने के पश्चात आप वेतन वाला रोजगार भी कर सकते हैं या स्वयं रोजगार उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इसे किसी कौशल का उपयोग कार्य यानी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है गृह विज्ञान में रोजगार के क्या क्या अवसर होता है कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं और रोजगार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। तो आप देख ही सकते हो कि कैटरिंग के यानी खान पान में हम क्या कर सकते हैं, यानी रोजगार हमें कैसे मिलेगी। आप कैटरिंग बन सकते हो, रेस्तरा का स्टाफ बन सकते हो, काय चाय की दुकान खोल सकते हो, रसोई खोल सकते हो, स्वीट स्टॉप खोल सकते हो, तो इसके आप जो होगा रोजगार इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपना भी ये चीज़ खोल सकते हो, जैसे कैटरिंग रेस्टोरेंट कॉफ़ी टी शॉप आदि का स्वामी खुद ही बन सकते हो। घर से भी भोजन सेवा आप प्रदान कर सकते हो लोगों को, आजकल होता है कि टिफ़िन लोगों को घरों से ही प्रदान की जाती है। हॉबी कक्षा आयोजित कर सकते हो, तो इस तरह से जो है आप अपना भी स्वयं का बेरोजगार कर सकते हो, ठीक है, रोजगार कर सकते हो। खाद्य संरक्षण बेकरी तथा ठीक है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है आप उत्पादन में रह सकते हो, सेवा स्टॉप या प्रशिक्षण में रह सकते हो, समुदाय केंद्र या प्रभावी में भी अपना रोजगार तलाश सकते हो। अगर स्वामी स्वयं बनना है तो उत्पादन इकाय में स्वामी बन सकते हो, घर पर ही उत्पादन सेवाएं कर सकते हो, हॉबी कक्षा में जॉइन कर सकते हो, जीवक संबंधन प्रयासों के रूप में आप इसका कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद है आंतरिक तत्व, आंतरिक सज्जा सज्जा। देखिए इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कर सकते हो, फर्नीचर डिजाइनिंग, शोरूम स्टाफ, तो इस तरह से जो है आपको जॉब कहीं भी मिल जाएगी। अगर आप स्वयं के लिए करना चाहते हो तो इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, फर्नीचर डिजाइनर खुद के लिए बन सकते हो, हॉबी कक्षाएं पाठ्यक्रम आयोजित कर सकते हो, ठीक है, शो कस और विडोज स्प्रे डिजाइन बना सकते हो। अब देखिए इसमें क्या है, आर्ट एवं क्राफ्ट। देखिए सरकारी एम्प्रोमियम्स, शोरूम्स, स्ट्रीप शॉप्स और कर्मचारी बनाना बन सकते हो आप, ठीक है, आर्ट एंड फॉर्स वस्तुओं के डिजाइनिंग रड बन सकते हो, उत्पादन इकाइयों में कर्मचारी बन सकते हो। तो ये तो होता है आपका रोजगार के अवसर इसमें मिलेगी। लेकिन आप स्वयं रोजगार चाहते हो तो इसमें स्वयं की दुकान या उद्यम चला सकते हो, घर में संचालित क्राफ्ट केंद्र बना सकते हो, हॉबी पाठ्यक्रम कक्षा आयोजित कर सकते हो। देखिए दोस्तों इसमें मैंने कहा ना, एक बार इसको पढ़ने के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हमें स्वयं बेरोजगार करना भी सिखाता है, यानी आप अपना कहीं भी रोजगार के अवसर तलाशने की जगह आप स्वयं का भी मालिक बन सकते हो। तो ये होम साइंस जो है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु बन जाती है। आगे जो आपके इसमें रोजगार मिलेगी आप देख लीजिए, हाउसकीपिंग का लॉडिंग सेवाएं, होटल व हॉस्टल में आप स्टाफ बन सकते हो, इसके लिए सुविधाएं प्रबंधक भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप अपना करना चाहते हो तो गेस्ट हाउस चला सकते हो आप, घर पर चलने वाला पेंटिंग गेस्ट सेवा दे सकते हो, ठेका लेना भी, ठेका भी ले सकते हो, जो आपका अपना स्वयं का वर्क होगा। उसके बाद ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट निर्माण और टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग भी आप इसमें अपना जीवन चला सकते हो। स्टाफ इकाई का एक्सपोर्ट, हाउस में स्टाफ, ठीक है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग इकाई में स्टाफ, बुटिक्स में स्टाफ, यानी सब चीज़ों में यहाँ पर अपना जॉब तलाश सकते हो जो कोई व्यक्ति दूसरी जगह करते हैं। इसमें क्या होता है, दुकान या बुटिक का स्वामी स्वयं बन सकते हो, घर से संचालित सेवाएं कर सकते हो, हॉबी कक्षा आयोजित कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप इसमें अपना रोजगार और जो स्वयं रोजगार तलाश सकते हो। आगे जो है आप अध्यापन में अपना जीवन के जो है आगे कौशल बना सकते हो, जिसमें कैच प्ले स्कूल, डे केयर केंद्र में स्टाफ बन सकते हो आप, स्कूल कॉलेजों में आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, पॉलिटेक्निक में अध्ययन करा सकते हो। तो इस तरह से जो है आपके इसमें काफ़ी पढ़ाई क्षेत्र में भी काफ़ी विकल्प मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आप स्वयं बेरोजगार करना चाहते हो, रोजगार खोलना चाहते हो, इसमें कैच प्ले स्कूल आदि का स्वामी बन सकते हो, डे केयर या स्कूल के पश्चात शिशु को देखरेख भी कर सकते हो, घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अल्प अवधि के पाठ्यक्रम भी करा सकते हो। तो इसमें बहुत से आपके विकल्प मिल जाता है। संतोषण का तरह विस्तार, देखिए इसमें क्या होता है, विकास संगठन में स्टाफ बन सकते हो, परामर्शदर्शता यानी आप परामर्श भी किसी को दे सकते हो, अनुसंधानकर्ता भी बन सकते हो, स्वामी अध्ययन भी बन सकते हो, प्रशिक्षण का सुविधा प्रदाता भी बन सकते हो, जनसंपर्क और मानव संपर्क स्टाफ में भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। अगर आप स्वयं का भी बनना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयज बनना चाहते हो, तो आप परामर्शदाता स्वयं भी बन सकते हो, विकास संगठन स्थापित कर सकते हो, विलेपन अनुसंधान एजेंसियाँ, ठीक है, भी खोल सकते हो, मीडिया उत्पादन और प्रबंधन भी कर सकते हो आप, संशोधन विकास और परामर्शदाता भी बन सकते हो, अल्प अवधि पाठ्यक्रम चलाना, विषय वस्तु विकास, थिएटर कठपुतली नचाना आदि, यानी अपना भी आप इसमें बहुत से तलाश जो है कर सकते हो करियर, क्योंकि इसमें बहुत से आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और जो इसमें है संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता शिक्षा, देखिए इसमें उपभोक्ता का शिक्षा है, उपभोक्ता तो आप हो ही हो, तो उपभोक्ता शिक्षा में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आपको सही और गलत का सबका नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बात आती है कि रिटेलर, आउटलेटरों से स्टाफ का कार्यक्रम प्रबंधन, फॉर्म से स्टाफ आदि बन सकते हो इसमें, ठीक है, कहीं और रोजगार मिल जाएगी। अगर स्वयं रोजगार करना चाहते हो तो इसमें इवेंट मैनेजर बन सकते हो, लघु बचत एजेंट बन सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपना करियर इसमें तलाश सकते हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अध्ययन करने के पश्चात आप हम जो ये विकल्प पे निकलते हैं, ये जो निष्कर्ष निकलता है कि हम सहमत होंगे कि गृह विज्ञान आपके समग्र विकास के लिए शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त घर से बाहर निकलकर नौकरी करने तथा घर पर ही उद्यम स्थापित करने के लिए आपको तैयार करता है। देखिए इसका निष्कर्षण यही निकलता है पूरा चैप्टरों का, इस पर हम लेसन पढ़ने के बाद, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, कि हम जो है जो इसमें करियर तलाशना चाहते हैं, गृह विज्ञान हमारे हर क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए गृह विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में आप वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में किसी गारमेंट स्पॉट हाउस में कार्य कर सकते हो, यानी हर जगह आपको जो है काम करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी जो होगा आपको मिलेगा। यदि आपके लिए घर से दूर जाना संभव ना हो तो आप घर में ही रहकर टेरिट बुटीक स्थापित कर सकते हो। देखिए दोस्तों आजकल जो होता है आप अच्छा बुटीक्स भी बन सकते हो, आपको पता है मेकअप वेकअप जितना भी होता है घर पर भी बंदा करके व्यक्ति करके अपना घर चलाने के साथ साथ अपना छोटा मोटा कार्य को भी कर सकता है।
ठीक है। यदि आपके लिए घर में दूर जाना संभव ना हो तो आप घर में भी खोल सकते हो। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि आप गृह विज्ञान के सभी क्षेत्रों में वेतन भोगी और स्वयं में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि व्यक्ति जो है गृहिणी ही बन जाता है, इसमें वो पैसे कमाने के लिए अपनी जो है कुछ भी खोल सकता है, ठीक है। बेकरी भी खोल सकता है जहाँ पर वो केक बना के अपना जीवन को और भी कमा सकता है, जिसमें दोनों पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा जाती है, ठीक है। आपको यह याद रखना चाहिए कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने विषय का व्यापक ज्ञान, कुछ अभ्यास और कुछ अनुभव होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आजकल जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके अपने विषय के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता, ठीक है। जब नॉलेज नहीं होता तभी तो आजकल हर बच्चे जो है मार खा रहे हैं। आजकल देखते हो कितनी अनपढ़ता हो गई है कि लोग कुछ भी करना चाहते हैं गलत तरीके से ही हो रहा है, ठीक है। आप एक रोड भी बनवाते हो तो क्या करते हो, पहले ही सारी चीज़ व्यवस्था नहीं करते हो, बाद में क्या करते हो, कभी रोड को 75 बार तो रोड को खुदाई होती है, 75 बार उसको बनाया जाता है और 75 बार उसमें पाइपलाइन लगाई जाती है। क्यों क्यों इस कारण इसका ये है कि आजकल इतने से बड़े इंजीनियर बन चुके हैं लेकिन कोई चीज़ बनाने से पहले उसको सही व्यवस्था करना पड़ता है। उनको अपने विषय के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि भाई हम कोई चीज़ बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं तो पहले से व्यवस्था कर दे, हो सकता है फ्यूचर में पाइप लगाना पड़ जाए, हो सकता है बिजली के लिए पाइप खोदना पड़ जाए, तो आप पहले क्यों नहीं व्यवस्था कर देते हो। आप बार बार रोड को उसको तोड़ते हो, बार बार उसको बना देते हो, तो इससे क्या होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए, आपका नागरिक का पैसा वेस्ट हो रहा होता है, सरकार का थोड़ी जाता है। सरकार तो बेचारा लगा देती है लेकिन वही पैसा अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए लगे, जरूरतमंद कुछ भी प्रोग्राम बनाने के लिए लगे, तो ये देश कल्याण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने विषय में पूरी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। खाना बनाने आप अगर जा रहे हो, अगर खाना का सामग्री के बारे में आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप बार बार दुकान दौड़ते चले जाओगे, ठीक है। अगर आपको नॉलेज रहेगा कि भाई कौन चीज़ बनाने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है, तो पहले ही आप क्या करोगे, सभी सामानों को खरीद के घर में इकट्ठा करके फिर जाके वो व्यंजन को तैयार करोगे, तो आपको इससे क्या होगा, आपको बार बार दुकान जाने या बार बार दुकान पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका व्यंजन भी बहुत ही आराम से और समय से पहले बन जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई करने का यही मतलब होता है कि आप एक समझदार व्यक्ति बनो, ठीक है। समझदार व्यक्ति तब इंसान बनता है जब उसको रूल रेगुलेशन व्यवस्था से अपना आगे बढ़ाता है। नौकरी के लिए तैयार होने के लिए आपको विशेष क्षेत्र में उत्तीर्ण पाठ्यक्रम अध्ययन कराना होगा जो कि अनेक संस्था से उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था भी गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए आप अपने परामर्शदाता या वेबसाइट पर आप देख सकते हो। होम साइंस की करियर जो दोस्तों होती है बहुत बड़ी होती है, यहाँ पर आप जाके अपने हर तरह के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा, ठीक है, गृह विज्ञान।